हेलो फ्रेंड्स तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नो पीडिया पे तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ टेंस टू इन्फिनिटी तो आप सभी को पता रहेगा कि हमने एक वीडियो डाला था टेंस टू इन्फिनिटी वाले ट्रिक्स जिसमें हमने सम्स देखे थे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और उस सम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाइस्ट डिग्री रहेगा सेम तो हमने उस वीडियो में ट्रिक्स देखे थे फॉर दिस टाइप ऑफ सम्स तो इस टाइप ऑफ सम में हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आएगा हम ये हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोई पेशेंट यहां पर एज ए आंसर न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी आएगा सेम यहां पे हाईएस्ट डिग्री है एक्स क्यूब तो उसका कोई है ट्वेंटी टू तो ये रहेगा हमारा आंसर फॉर दिस सम तो ये आगे कट होके क्या बनेगा फोर अपॉन इलेवन तो क्या क्या किया मैंने यहां पे यहां पे लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू इन्फिनिटी था तो मैंने यहां पे सिर्फ चेक किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री सेम है कि नहीं है तो यहां पे वो सेम था तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 8 अपॉन ट्वेंटी जो कि की हाइएस्ट डिग्री वाले टर्म के क्वेश्चन तो एट अपॉन ट्वेंटी आगे बनेगा फोर अपॉन इलेवन तो दोस्तों उस वीडियो के कमेंट्स में हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी पूछा था कि अगर ये हाईएस्ट डिग्रीज सेम नहीं रहेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा तो उसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है ये नया वाला वीडियो तो जैसे कि हमारा अभी ये नेक्स्ट सम है जो कि है लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू इन्फिनिटी और ये न्यूमरेटर में हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है तो यहां पे हमारा एक्स का हाईएस्ट डिग्री है x एक्सरेस्ट टू फोर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री क्या है तो वो है x एक्सरेस टू थ्री तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री है न्यूमरेटर में फोर और डिनोमिनेटर में है वो थ्री तो जब भी हमारा लिमिट रहेगा टेंस टू इंफिनिटी और न्यूमेरेटर का डिग्री हायर रहेगा एज कंपेयर टू डिनोमेटर का डिग्री तो उस केस में हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा इन्फिनी तो हमें क्या याद रखना है अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमेटर का हाईएस्ट डिग्री तो उस केस में हमारा आंसर आएगा इन्फिनी देन हमारा नेक्स्ट सम है अगर हमारा लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी है और यहां पे न्यूमरेटर में डिग्री है एक्स क्यूब और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री है एक्सरेस्ट टू फोर तो यहां पे अभी एक्स का डिग्री कहां पे ज्यादा है तो वो ज्यादा है डिनोमिनेटर में तो इस केस में जब डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री तो उस केस में हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा जीरो तो ये बनेगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो दोस्तों यहां पे तीन केसेस कौन से कौन से बने पहले तो तीनों जगह पे लिमिट है एक्सटेंस टू इन्फिनी देन अगर हाईएस्ट डिग्री सेम रहेगा तो हमें आंसर क्या लिखना है उस हाइस्ट डिग्री के कोइफिशेंट देन अगर हाइएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमेटर में तो हमारा आंसर आएगा डायरेक्टली इन्फिनीटी और अगर हमारा हाइएस्ट डिग्री बड़ा है इन डिनोमेटर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर देन हमारा डायरेक्टली आंसर आएगा जीरो सो so, दोस्तों ये थे हमारे ट्रिक्स फॉर लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू इन्फिनिटी जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमेटर के हाइस्ट डिग्रीज अलग अलग रहेंगे तो इस ट्रिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को एंड बेल बेलाइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिस ना कर जाए and please share this video with your friends.